हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर के लिए, बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं कल होने वाले एग्ज़ाम पेपर का गेस्ट पेपर। कल यानी 15 जुलाई 2023, और कल आपका जो एग्ज़ाम होगा समावेशी विद्यालय का निर्माण, और इसे बोलेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं गेस्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आप पढ़ के जाइएगा समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। हो सकता है कि ये छोटे प्रश्न के रूप में आपको ना मिले, लेकिन मीडियम या बड़े प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषता तक पढ़ के जाइएगा। आपको ये प्रश्न इस तरह से मिल सकता है, एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, एकीकृत शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य या विशेषताएं जो भी आपको पूछ सकता है। थर्ड इसमें इम्पोर्टेंट है समावेश चक्र प्रतिमान किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए। और 2009 का जो आपको था ना, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार, उसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार आ चुका है पहले भी, इससे पहले एग्जाम में आ चुका है वो। चलिए सेक्शन ए के अंदर यही था। सेक्शन बे के अंदर, खंड बे के अंदर देखिए क्या कुछ है। खंड बे के अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एकीकृत शिक्षा का महत्व। हालांकि यहाँ भी आप ये पढ़ चुके हैं एकीकृत शिक्षा का महत्व, और समावेशी शिक्षा में इधर भी प्रश्न आ सकता है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा या संप्रत्यय, इसके अथवा में आप यह करके जरूर जाइएगा समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा सा विशिष्ट शिक्षा को जरूर देख लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षा का इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा, अगर आपको डिफरेंस मिल जाता है एकीकृत में, विशिष्ट में, समेकित में, समावेशी में, तीन चार लाइनें याद होगी तो आप इनका डिफरेंस लिख पाओगे, अंतर आ जाता है कई बार। छोटे प्रश्न में एक ये ऐड और कर लो, लेबलिंग क्या है। और सेक्शन से खंड से के अंदर बड़ा प्रश्न, हमें ये उम्मीद है कि ये प्रश्न आएगा, समावेशी शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, एक चीज़ होती है परिभाषा में ये कि आपको विद्वान का नाम याद रखना पड़ेगा, अवधारणा वगैरह वगैरह, इसको स्पष्ट करते हुए इसका महत्व, इसके प्रतिमान, इसके सिद्धांत, अगर कोई विशेषताएं हैं तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है समावेशी शिक्षा को लेकर। इसमें आप ये जरूर याद कर लीजिएगा समावेशी शिक्षा का प्रतिमान, समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। और छोटे प्रश्न में समावेश चक्र प्रतिमान लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में देखिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। यूनिट सेकंड में देखिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। सेक्शन ए के अंदर, खंड ए के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, पहला प्रश्न NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसके बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 को पढ़ के जाइएगा। सर्व शिक्षा अभियान, बहुत पुराना है ये सर्व शिक्षा अभियान, इसको पढ़ के जाइएगा। और आपको शिक्षा का अधिकार मैंने बताया था, फिर बोल रहा हूँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको तो फिर रीडिंग कर लीजिएगा। एक लास्ट ईयर आ चुका है लेकिन थोड़ा सा रीडिंग करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट है ये अभी भी। 1964-66 भारतीय शिक्षा आयोग के लक्ष्य या उद्देश्य जो भी हैं 1964-66 के।
मीडियम प्रश्नों में सेक्शन बे के अंदर देखिए, सेक्शन बे में एक बार फिर से ये 2009 को इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा और 1964-66 को इसको भी, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रश्न दे रहे हैं वो है UNCRC क्या है, UNCRC क्या है इसके अथवा में ये प्रश्न कीजिएगा, ये 2009 वाला। समावेशी शिक्षा में RTE 2009 का क्या महत्व है। और बड़े प्रश्नों में खंड से के अंदर और वापस इसी 1964-66 को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिशों को विस्तार से समझाइए, और थोड़ा टाइम मिले तो ये प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का योगदान या उसके कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यूनेस्को का योगदान, उनके कार्य, ठीक है। ये था यूनिट 2। यूनिट 3 में क्या आ सकता है, देखिए यूनिट 3 के अंदर सेक्शन ए में आ सकता है पहला प्रश्न, सेक्शन ए के अंदर बहु बाधिता से क्या तात्पर्य है, दूसरा विविधता से आप क्या समझते हैं, विविधता में एकता आपने पढ़ रखी है और विविधता अलग ही लास्ट टाइम आ चुका था, तो आप 2 नंबर पर इसे भी रख के लीजिए। कक्ष प्रबंधन की परिभाषा या अवधारणा, कक्ष प्रबंधन की अवधारणा, और ये प्रश्न मीडियम में भी आने की उम्मीद है इस प्रश्न के, कक्ष प्रबंधन का, और ये भी पूछ सकता है कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका। खंड बे में देखिए, खंड बे में इम्पोर्टेंट ये प्रश्न वापस खंड बे में भी लिख सकते हो। कक्ष प्रबंधन की अवधारणा, तो ये छोटे में भी इम्पोर्टेंट है, मीडियम में भी इम्पोर्टेंट, और इसके अथवा में जो प्रश्न है विविधता का अर्थ क्या है, या विविधता में एकता, या विविधता के विभिन्न स्तर, तो ये छोटे में भी लिखा था, छोटे की बजाय ये मीडियम में आने की ज़्यादा चांस है। छोटे प्रश्न में एक और पढ़ के जाइएगा, असमर्थता से आप क्या समझते हैं, अपंगता भी बोलते हैं इसे, असक्षमता भी बोलते हैं, अपंगता नहीं, असमर्थता असक्षमता से आप क्या समझते हैं, और कहीं असशक्तता भी लिखा होता है, तो पढ़ के जाइएगा इसे। और जो बड़ा प्रश्न है इसमें सेक्शन से के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसकी लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकाधिक निर्योयता, एकाधिक निर्योयता के संप्रत्यय, के संप्रत्यय प्रकृति का वर्णन करें, संप्रत्यय और प्रकृति का वर्णन करें, और एकाधिक निर्योग्यता को निर्योग्यता भी लिखा होता है, ये निर्योग्यता ये एरर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसकी विशेषताएं। और यही प्रश्न अगर दूसरी लैंग्वेज में आ जाए तो लिखा होता है बहुबाधित बालक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, ये सेम प्रश्न, यानी एकाधिक निर्योग्यता, यानी एक से अधिक निर्योग्यताएं, इसका मतलब बहुबाधित, यानी बहुत सारी निर्योग्यताएं, बहुबाधित बालक किसे कहते हैं, यानी इसी प्रश्न को यही सेम याद किया हुआ प्रश्न, अगर ये प्रश्न आ जाए बहुबाधित बालक पर टिप्पणी लिखें, बालक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, ठीक है, तो यही प्रश्न होगा बहुवादित बालक। ये था आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट फोर हालांकि एक प्रश्न जो कई बार आ चुके हैं पुराने पेपरों में, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो ये थोड़ा पढ़ के जरूर जाइएगा पाठ्यक्रम के बारे में, और समावेशी पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, तो सेक्शन ए के अंदर
क्योंकि ये पाठ्यक्रम ऑलरेडी पहले से आ चुका है कई यूनिट में, सॉरी कई पेपरों में, तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा आप लिख पाओगे। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं विशिष्ट विद्यालय से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा आपको बाध्यता पूछेगा, श्रवण बाध्यता हम दे रहे हैं, सुनने में प्रॉब्लम, आपको दृष्टि बाध्यता भी आ सकता है, बोलने में प्रॉब्लम वो वाणी बाध्यता भी आ सकता है, बाध्यता आ सकता है। और ये प्रश्न समावेशी पाठ्यक्रम की अवधारणा या विशेषताएं, इसकी अवधारणा या विशेषताएं, तो एक छोटे में पूछ सकते हैं, एक मीडियम में पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सेक्शन बे के अंदर देखिए क्या कुछ बनता है, इजी पर्सन भी कह सकते हैं, मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं, मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं, इसके अथवा में है। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन है समावेशन पाठ्यक्रम का अर्थ एवं विशेषताएं। इसे समावेशी शिक्षा के पाठ्यचर्य की विशेषताएं भी बोल देते हैं, समावेशन पाठ्यक्रम को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, समावेशी शिक्षा के पाठ्यचर्या की विशेषताएं। इसके अथवा में इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, इस प्रश्न को भी करके जाइएगा, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की विवेचना। और लास्ट सेक्शन से में इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न दे रहे हैं, खंड से में विशिष्ट बालकों के शिक्षण हेतु किन किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। विशिष्ट बालकों के शिक्षण हेतु आप किन किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। ये था यूनिट 4, फाइनली यूनिट 5 देखिए। यूनिट 5 में सेक्शन ए में प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रलेखन के उद्देश्य या प्रलेखन से आप क्या समझते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है सहकर्मी शिक्षण की अवधारणा स्पष्ट करें, उद्देश्य बताएं। तीसरा, ये प्रश्न पहले आ चुका है, और नहीं ये प्रश्न तो पहले लिख लीजिए, विकलांग बालकों के मूल्यांकन के दो तरीके। और चौथा प्रश्न लिखिए समावेशी, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, समावेशी शिक्षा के लिए मूल्यांकन। हालांकि थोड़े चार प्रश्न दे दिए, पढ़ लेना इन चारों को। सेक्शन बे में इम्पोर्टेंट है पहला, अच्छे अभिलेख संरक्षण की विशेषताएं। और इसके अथवा में कीजिएगा विद्यालय अभिलेखों के संरक्षण एवं रख रखाव के महत्व को स्पष्ट करें। और सेक्शन 6 में इम्पोर्टेंट बनता है माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का वर्णन करें। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों की विवेचना सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के संदर्भ में करो, या फिर ये दे देगा माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में संचालित शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। और इसके अथवा में आप एक प्रश्न लिख लो, समावेशी कक्षा के आंकलन का वर्णन। तो डियर स्टूडेंट, आपकी यूनिट फटाफट आपको एक बार फिर बताता हूँ, कौन कौन सी यूनिट करवा दी हमने बता दिया।
यूनिट फर्स्ट के प्रश्न बता दिए, यूनिट सेकंड के बता दिए, यूनिट थर्ड के बता दिए, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ के। इनकी तैयारी कर लीजिए, सुबह के पेपर की तैयारी रखिए। अभी तक एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। हालांकि जो घग्गर नदी में खतरा बताया जा रहा है वह भी एक और है, लेकिन फिर भी अभी तक शायद एक दो दिन तक ये प्रॉब्लम्स ना आए हमें, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और अगर कोई सूचना आती है तो आपको हम सूचित कर देंगे। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एग्ज़ाम अपने टाइम पर अभी होने की पूरी पूरी संभावना है, तो अपनी तैयारी को सुचारू रखें। हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें, लेकिन घबराएं नहीं और अपने पेपर की तैयारी करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।